दतिया के भांडेर में एक शख्स के अपहरण के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी फरार हो गया है। मामला रुपयों के लेनदेन से जुड़ा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भांडेर बसबहा से फिल्म स्टाइल में टोल नाका तोड़कर भाग रही एक नीले रंग की i20 कार को सिविल लाइन पुलिस ने दतिया में पकड़ लिया। तेज रफ्तार कार पुलिस ने भांडेरी फाटक से पकड़ी है। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर कार में से एक महिला एवं युवकों को भी गिरफ्तार किया है तथा इसमें सवार ड्राइवर मौका देखकर गाड़ी छोड़कर भाग निकला। बताया जा रहा है कि भांडेर से कुछ लोग कार में जबरदस्ती डालकर भांडेर निवासी लक्ष्मण साहू को गाड़ी में लेकर जा रहे थे। जब गाड़ी बसवा ग्राम में बने टोल नाके पर पहुंची तो एक युवक ने गाड़ी से शोर मचाकर बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू किया, जिसकी आवाज़ सुनकर टोल नाके के कुछ कर्मचारी सक्रिय हो गए तो ड्राइवर ने गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया और टोल नाका तोड़ते हुए गाड़ी को तेज रफ्तार में दतिया की ओर भगा ले गए। इसकी जानकारी दुरसड़ा पुलिस को हुई तो दुरसड़ा पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया, जो सिविल लाइन पुलिस और डायल 100 ने दतिया के भांडेरी फाटक से इस गाड़ी को पकड़ लिया। जबरदस्ती किडनैप करके लाए तो हम चिल्ली आने ने बैरियर टूटा टूल टैक्स का, वहाँ से बहुत दूर तक हमने टूल चिल्ला दिया है मसवाया था कि हमने जबरदस्ती खींचा है, बटों की कट्टी दिए, दो कट्टे हैं, रिवाल्वर भी है तीन के पास, एक कैसे जी मार दे चलिया खींचा इनने हमको मुँह से वैसे पकड़ के ऐसे लगे रहे जी लोग तीन लोग हैं ये आज जात हती सब बैठे तो उठा देती बस यदि अच्छी बात है मंदिर पे आते जाते नहीं कोई पैसा नहीं तुम्हारा, हमने जो दिया था वो हमने आपको 10 दे दिया, 8.5 आपके चाहिए सब दे रहे थे आपको ले जो पाप। पुलिस ने सुनीता श्रीवास्तव और हर्षित श्रीवास्तव निवासी ग्वालियर को गिरफ्तार किया है। कार से पुलिस को अवैध कट्टा भी मिला है। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग निकला। इस घटना की कार्यवाही पर पूछताछ सिविल पुलिस थाने में पुलिस द्वारा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवान न्यूज़, दतिया।